नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मैं हूँ शेफ गिरीश दुबे। तो चलिए आज की रेसिपी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमें शाही पनीर बनाने के लिए हमें चाहिए काजू चाहिए एंड मगज। सबसे पहले हम ग्रेवी बनाएंगे, तो कोई एक क्वांटिटी लेंगे बराबर बराबर। हमने 250 ग्राम काजू लिया है, 250 ग्राम मगज लिया है। इसको हम दोनों को भिगा लेंगे और अच्छे से वॉश करेंगे। उसके बाद में इसको हम देन ब्लांच करेंगे, उबालेंगे और फिर इसका हम पेस्ट बनाएंगे। उबल जाएगा तो उसका हम पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए 5 से 10 मिनट में उबल जाएगा काजू और मगज। आप लोगों को दिखाते हैं इस तरीके से, और देखिए। और इसको अच्छे से वाटर से धो के और फिर इसको ब्लांच करने चढ़ाएं, मतलब उबाल लें अच्छे से। चलिए, तो हमने जो काजू मगज हुआ ब्लांच करके रखा तो उसका हमने पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए, और हमारे लिए इसके लिए चाहिए तेज पत्ता, ग्रीन इलायची, छोटी इलायची और जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो सबसे पहले हम ग्रेवी बनाते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। और हमारे पनीर, क्रीम, मिल्क, मावा, इलायची पाउडर, शक्कर एंड सॉल्ट। तो चलिए हम ग्रेवी बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑयल डाला इसके अंदर, 2-3 टेबल स्पून ऑयल है, ग्रीन इलायची, तेज पत्ता। ये हम सिर्फ 2% लोगों के लिए दिखा रहे हैं, 2% बना रहे हैं। 2 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला। ब्राउन करना है थोड़ा सा, जैसे ब्राउन हो गया है अब इसके अंदर हम ग्रेवी मिक्स करेंगे। और हमने ग्रेवी डाली जो आपको दिखाई थी, हमने पेस्ट बना के रखा है। देखिए ग्रेवी हमारी पकने लगी है। इसमें हम मिल्क डालेंगे और देखिए इसमें हमने करीब 1/2 कप मिल्क डाला है, 50 ग्राम समथिंग। मिल्क डालने से हमारी ग्रेवी वाइट भी होती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। चलिए अब इसको हम इसके अंदर बाकी आइटम डालते हैं। चलिए, हमारी ग्रेवी पक चुकी है। इसको पूरे में हम सॉल्ट और नहीं डालेंगे और मावा क्रीम नहीं डालेंगे, ताकि हमारे अगर हमें ज़रूरत है तो इसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। तो आप आगे दिखाते आप लोगों को साई जीरा के लिए ग्रेवी कैसे सेट करेंगे। आप साई पनीर के लिए देखिए, हमने जो ग्रेवी बनाई थी वो हमने रख ली है निकाल के। और अब हम जितनी इसमें लगनी उतनी ग्रेवी हम सेट करेंगे। के लिए बनाएंगे 2 टेबल स्पून हम देसी घी डालेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, साई जीरा डालेंगे 1/2 टेबल स्पून हमने साई जीरा डाला, ग्रेवी डाली करीब, ये देखिए 250 ग्राम समथिंग ग्रेवी है इसके अंदर। ग्रेवी इसकी सेट कर रहा है शाही पनीर की, जिसके अंदर हम सॉल्ट डालेंगे एंड शक्कर डालेंगे। सॉल्ट स्वाद अनुसार 1/2 टी स्पून शक्कर, टेस्ट कर ले अगर आपको स्वीट हल्का कम लग रहा था वह डाल सकते हैं। मावा हमें 1/2 टी स्पून मावा डालेंगे, करीब 20 से 25 ग्राम। और इसमें हम क्रीम डालेंगे, क्रीम हमने डाला 3 टेबल स्पून, क्रीम थोड़ी ज़्यादा लगती है इसमें। और हल्का सा अगर आपकी ग्रेवी टाइट हो रही तो वापस से इसमें आप मिल्क मिलाइए। इसमें 2 टेबल स्पून और हम मिल्क डालेंगे। चलिए अब हम पनीर डाल देते हैं और उसके बाद हमारे रेडी, हमने पनीर डाल दिया है। और आप चेक कर लें अगर इसमें कुछ आपको कम लगता है तो वापस से आप डाल सकते हैं। हमारा शाही पनीर एकदम रेडी हो चुका है। चलिए हम गार्निशिंग कर लेते हैं। और हमारा शाही पनीर एकदम रेडी है और गार्निशिंग करते हैं। थोड़ी क्रीम डालेंगे इसमें, ये देखिए हमारा शाही पनीर एकदम तो रेडी है और गार्निशिंग भी कर दी हमने। और इसको देखिए कितना बढ़िया है। और आप लोगों इस तरीके से बना सकते हैं। और आप